सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल इंजीनियर चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए सबसे पहले रिपेयर वीडियो देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी J8। अगर आपके पास ऐसे कोई हैंडसेट आए कि वो चार्ज नहीं हो रहा है और चार्जिंग IC भी खराब है, लिक्विड डैमेज है, कोई भी फॉयल नहीं है, तो मैं आपको आज डायरेक्ट जंपर करके दिखाऊंगा कि अगर आपका चार्जिंग IC भी खराब रहे, वोल्टेज प्रोडक्शन IC प्रॉब्लम रहे, तो आप कहाँ से कहाँ जंपर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए परफेक्ट सोल्यूशन पाने के लिए। तो ये जो हैंडसेट है मेरे पास आया है और ये चार्ज नहीं हो रहा है, तो मैं पहले आपको ये चार्जर कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये हैंडसेट चार्ज नहीं हो रहा है। अब मैं इसका डिस्प्ले ओपन करूँगा, डिस्प्ले ओपन करके आपको दिखाऊंगा। इसका जो फोल्डर है, फोल्डर को मैं निकाल रहा हूँ। पहले मैं चार्जर को निकाल लूँगा। फोल्डर निकालने के बाद इसका मैं मदरबोर्ड निकाल ले रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वोल्टेज कहाँ से कहाँ पर आ रहा है और कहाँ से वोल्टेज ब्रेक हो रहा है। चार्जिंग कनेक्टर और चार्जिंग कनेक्टर के पीछे जो IC आपको मिलेगा वो रहेगा OVP यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। तो हम चेक करके देखते हैं मल्टीमीटर से कि वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फर्स्ट हम बैटरी कनेक्टर पर चेक करेंगे। हम ग्राउंड के ऊपर रखेंगे और चेक करेंगे कि बैटरी कंट्रोल वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरफ भी नहीं आ रहा है, टोटल वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कनेक्टर के पास में ही कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम पहले कनेक्टर को चेक करेंगे, कनेक्टर सही है कि नहीं है। कनेक्टर बिल्कुल सही है और कनेक्टर के बाद आपका जो पॉइंट है वो आपका आएगा इस कॉइल के ऊपर। कॉइल के ऊपर भी वोल्टेज आपका परफेक्ट आ रहा है। कॉइल के बाद आपका ये जो वोल्टेज प्रोटेक्शन IC है, IC भाया होकर आपका आएगा इस कैपेसिटर के ऊपर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के ऊपर आपका वोल्टेज आएगा, लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहा है, शायद ये IC खराब है। अगर मान लीजिए ऐसे कोई हैंडसेट आया है कि ये IC खराब है और इसका कोई फॉयल भी नहीं है, ये कंपोनेंट भी खराब हो गया है, तो इसके बाद आपको कहाँ पर जंपरिंग करना है, कौन सा IC के पास जंपरिंग करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को पहले से खत्म तक जरूर ध्यान से देखिए। हम फर्स्ट इस IC को निकाल लेंगे, ये जो वोल्टेज प्रोडक्शन IC है इसको हम निकाल के फेंक देंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट जंपर करेंगे। देख सकते हैं मैंने IC को निकाल दिया। उसके बाद हम डायरेक्ट जंपर करेंगे। हम इसके आसपास इस IC को नहीं भाया करेंगे, हम डायरेक्ट जंपर करेंगे IC के पास। ये जो आप IC देख रहे हैं कैमरा के पास में, ये आपका रहेगा ऑक्सिलरी पावर IC और आपका मेन पावर IC रहेगा दूसरे तरफ। ये आपका मेन पावर IC है और ये आपका ऑक्सिलरी पावर IC है, आप चार्जिंग IC भी कह सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर जंपर करेंगे। हम जंपर करके आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ आपका जंपरिंग करना है। आपको एक वायर लेना है, आप ये जो कॉइल देख रहे हैं इस कॉइल के इस तरफ आपको जंपर करना है। उसके बाद आपको जंपर करना है इस सीधे ऑक्सिलरी पावर जो IC है, इस IC के पास एक कॉइल मिलेगा आपको। मैं जंपर करके आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर आपका जंपर करना है।
ये जो ऑक्सिलरी पावर आईसी आप देख रहे हैं, इस आईसी के पास एक कॉयल आपको मिलेगा। इस कॉयल के ऊपर आपको जम्पर करना है। कहाँ से जम्पर करना है? चार्जिंग आईसी के पीछे जो कॉयल आप दिख रहे हैं, ये जो चार्जिंग आईसी है उसके पीछे जो कॉयल आप देख रहे हैं, इस कॉयल के ऊपर से आपको सीधे जम्पर करना है इस ऑक्सिलरी पावर के पास जो कॉयल है इस कॉयल के ऊपर। अब चलिए हम चेक करके देखते हैं कि ये सनसेट चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हम आप इस वायर को जम्पर करेंगे तो ध्यान से इस वायर को रखिए। इस वायर को अगर किसी भी ग्राउंड के साथ टच हो गया तो ऐसे डेड भी हो सकता है। तो आप अगर आपके पास कुछ भी है, टिश्यू पेपर है, तो इस वायर को आप ढक के रखिए। तो फ्रेंड ये हैंडसेट चार्ज हो रहा है। तो मैंने आपको परफेक्ट सॉल्यूशन दिखा दिया कि कहाँ से कहाँ आपको जम्पर करके सॉल्यूशन करना है सैमसंग गैलेक्सी J8। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि कैसा लगा। अगर नया सैमसंग या कोई भी मॉडल का नया नया हैंडसेट में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए। जल्द से जल्द आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। और लाइक करना मत भूलिए। मेरा वीडियो पहले से खत्म था, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।